हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सिल्वर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कहाँ तक जा सकता है, क्या उसके सपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ पर उसका जो टारगेट है वो हो सकता है, उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों उसके सपोर्ट से, और साथ में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताऊंगा कि जहाँ पे जो है वो सिल्वर के अंदर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन जो सपोर्ट है सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 67,000 का लेवल। ठीक है, 67,000 का जो लेवल है वो सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सिल्वर जो है वो ये लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे जाके अगर ये क्लोजिंग कर लेता है, ठीक है, ध्यान रखना 67,000 का जो लेवल है वो सिल्वर ने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे जाके क्लोजिंग कर दिया, तो सिल्वर के अंदर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। और हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा, सॉरी फाइनल सपोर्ट जो रहेगा सिल्वर के लिए वो रहेगा 66,000 का लेवल। ये जो लेवल है वो हमारा सिल्वर के लिए फाइनल हमें मान के चलना है। अगर सिल्वर ने 66,000 का जो लेवल है वो ब्रेक कर देता है, उसके नीचे जाके क्लोजिंग कर लेता है, रुक जाता है, तो आपको इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये लेवल के नीचे सिल्वर के अंदर थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा हो सकती है, और ये गिरावट जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, खास ध्यान रखना क्लोजिंग जो है इंट्राडे के अंदर अगर ये नीचे चला जाए वापस ऊपर आए वो हम काउंट नहीं करेंगे, क्लोजिंग 66,000 के नीचे होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इंट्राडे के अंदर भी 66,000 का लेवल ब्रेक होता है तो भी हम जो है वो नीचे का लेवल जो है वो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, और वो जो लेवल आता है दोस्तों वो है 64,900 के आसपास। ठीक है, 64,900 इज अर वी कैन सी इफ 66,000 लेवल कैन ब्रेक। अगर 66,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो हम जो है वो 64,900 के आसपास जो है वो जा सकते हैं, और उसके भी नीचे अगर जाने की कोशिश करते हैं तो 64,000 का जो लेवल है वहाँ तक हम सिल्वर के अंदर मूवमेंट होता हुआ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो मैंने एक बात बताई थी कि हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तो जब हम टारगेट की बात करते हैं दोस्तों उस टाइम पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि सिल्वर जो है वो क्या वापस 80,000 आएगा या 60,000 आएगा, वो जो क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। सो नंबर वन जो टारगेट है दोस्तों सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है 68,500 का लेवल। ठीक है, 68,500 का जो लेवल है वो सिल्वर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर सिल्वर ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये वाला लेवल जो है वो सस्टेन कर लिया, ऊपर की तरफ जो है वो क्लोजिंग कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि पहले जो है वो हम धीरे धीरे करके 72,000 और धीरे धीरे करके फिर 75, 78, 80, 85 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर व्यू बताता हूँ कि अब यहाँ पर सिल्वर ने नीचे से एक बहुत बड़ी चाल हमें दे दी है, लगभग 40,000 से स्टार्ट किया था 40-42,000 से, तो लगभग हम 78,000 के आसपास जो है वो हाई लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब वहाँ से अप्रोक्सीमेट अगर हम काउंट करें दोस्तों तो डबल हो गया। ठीक है, सिल्वर जो है वो वहाँ से क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो अब होगा क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ऐसी कोई एक साइड की ऊपर की या तो नीचे की एक बड़ी चाल आ जाती है दोस्तों, तब मार्केट का एक बहुत ही बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है कि वो एक साइडवेज रेंज के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, ऊपर की चाल या तो नीचे की चाल जो है वो एक तरफ बहुत ही बड़ी आ जाती है, तब जो मार्केट है वो कैसा हो जाता है, साइडवेज। तो सिल्वर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आप देख सकते हो कि शायद ये साइडवेज, साइडवेज का मतलब एक रेंज के अंदर रहेगा, और ये जो रेंज है वो लगभग 73,000 से लेके 65,000 के आसपास की ये, या 75 से 65 का ये जो एरिया है 10,000 पॉइंट का एरिया। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स भी बड़ा है तो एरिया भी आपको बड़ा मिलेगा, ये 10,000 पॉइंट का जो एरिया है उसके अंदर जो है वो सिल्वर अप डाउन कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर।
अप डाउन का मतलब कि ये ऊपर जाएगा 72-75 के आसपास, वहाँ से ये पलट जाएगा नीचे, नीचे आएगा 66-65 के आसपास, वहाँ से बाउंस ले लेगा, मतलब ऐसे ही ये थोड़े दिनों तक खेलता रहेगा ऊपर नीचे। और जब इसकी ये जो साइडवेज करेक्शन जिसको हम कहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये जो है वो एक साइड की ऊपर की चाल ले लेगा। ठीक है, ये चाल कब आएगी वो तो समय बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा, प्राइस से पता चलेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। अगर प्राइस भाव अगर नेक्स्ट वीक के अंदर ये हमें बोलता है कि 68,500 के ऊपर अगर सिल्वर ने क्लोजिंग कर लिया, ठीक है, 68,500 के ऊपर क्लोजिंग कर लिया, तो धीरे धीरे करके 70,000-75,000 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा ब्रॉडर व्यू में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ जो है वो थोड़ी ध्यान में रखनी है सिल्वर के लिए। और अगर आप सिल्वर के अंदर इंट्राडे में काम करते हो, गोल्ड के अंदर करते हो, तो हमारा ग्रुप है जहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट के अंदर, कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, वो सारा जो डिस्कशन है वो हम लाइव मार्केट के अंदर जो है वो सिल्वर और गोल्ड के अंदर करते हैं। तो आपको अगर जो है वो हमारी सर्विस ज्वाइन करनी हो दोस्तों, नॉमिनल चार्जेस है, चार डिजिट से भी कम हमारे चार्जेस है, चार डिजिट भी पूरे नहीं है, उतना तो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं होता, ठीक है, उससे भी कम हमारे चार्जेस हैं। तो अगर आपको जो है वो हमारे साथ जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, आप वो एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हमारा जो टारगेट है वो अगर सस्टेन हो जाता है ऊपर की तरफ, तो हमें जो है वो 69,200 का जो लेवल है वो सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये जो लेवल बता रहा हूँ दोस्तों वो पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के बता रहा हूँ, यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कशन किया वो थोड़ा ब्रॉडर व्यू मैंने आपको बताया। तो पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है कि हम जो है वो 69,200 के आसपास जा सकते हैं, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और अगर हमारा फाइनल टारगेट जो है वो सस्टेन हो गया ऊपर की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग कर लिया, तो धीरे धीरे करके जो है वो हम 69,800 से लेके वापस फिर से 70,000 के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। और 70,800-72,000 के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर जो है वो हम जा सकते हैं। तो ये हमने टोटल दोस्तों बात कर ली सिल्वर के सपोर्ट और टारगेट के बारे में, क्या हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, प्राइस जो है वो एक बहुत ही बड़े रेंज के अंदर रहेगा, तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि जो है वो ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी धीरे धीरे इसको समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली MCX प्राइस के, उसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, आप ज़रूर अगर जुड़ना चाहो हमारे साथ तो जुड़ सकते हो दोस्तों, जहाँ पर हम लाइव मार्केट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि डॉलर टर्म प्राइस के अंदर इसके क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी नेक्स्ट वीक के अंदर उसके बारे में। सो नंबर वन सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द सिल्वर इज 26.45 लेवल। ओके, 26.45 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द सिल्वर इन द डॉलर टर्म प्राइस। इफ सिल्वर कैन सस्टेन दिस लेवल एंड क्लोज अबाउ दिस प्राइस, देन फ्रेंड्स वी कैन सी गुड रैली। बट इफ सिल्वर कैन ब्रेक दिस लेवल एंड क्लोज बिलो दिस प्राइस, देन वी कैन सी मोर करेक्शन। ओके, देन फॉर द इफ वी आर सिटिंग एट अ लॉन्ग साइड, सो अवर नंबर वन सपोर्ट इज 26.45। इफ दिस सपोर्ट कैन ब्रेक देन वी हैव टू अलर्ट एट दैट टाइम। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन फ्रेंड्स वी कैन सी 25.80 लेवल। ओके, 25.80 लेवल कैन बी सीन बाय दिस सिल्वर इफ आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक। एंड फ्रेंड्स इफ आवर फाइनल सपोर्ट कैन ब्रेक बाय द सिल्वर देन वी कैन सी शार्प करेक्शन एंड शार्प फॉल इन द सिल्वर अप टू 25.40-25.10 लेवल। ओके, 25.40-25.10 लेवल वी कैन सी इफ सिल्वर कैन ब्रेक अवर फाइनल सपोर्ट विच इज 25.10। ओके, सो इट्स अ सपोर्ट साइड फॉर द सिल्वर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट साइड। सो नंबर वन टारगेट फॉर द सिल्वर फॉर द नेक्स्ट वीक इज 27.55 लेवल। ओके, 27.55 इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर द सिल्वर। अ पर्सन और अ ट्रेडर हु वांट टू बाय ओनली सिल्वर, देन अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन एंड चार्ट ट्रेडिंग,
वी हैव टू गो लॉन्ग फॉर द सिल्वर इफ सिल्वर कैन सस्टेन एंड क्लोज अबाउ दिस प्राइस. आफ्टर क्लोजिंग दिस प्राइस और सस्टेन दिस प्राइस देन फ्रेंड्स वी कैन सी गुड रैली अप टू 27.85 लेवल. ओके 27.85 लेवल वी कैन सी विच इज अवर फाइनल टारगेट फॉर द सिल्वर. If silver can sustain this level and close above this price, then we can see very good rally up to 28.40. Okay, 28.40 level to 28.60 level. Okay, so it's a support and target for the silver for the next week. We have to alert when 26.45 level can break by the silver. Okay, and buy only about 27.55. If this level can sustain, then this rally is continued. And according to my chart trading friends, for coming days or for the short time, we can see some range bound condition in the silver because we are already almost double from lower side. Okay, so there is a high probability that we can see range bound condition in the silver for coming days. Okay, thanks for watching this video.